जैन दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडजी और इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है आपका, और सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम क्या करना है आपको, सी सेट ढंग से देखना है। क्यों देखना है आप सभी को पता है, 33% लेके आना है, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है यूपीएससी के एग्जाम में 33% लेके आना, लेकिन यदि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा चला जाएगा, है ना। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया ही था जनरल स्टडीज़ के लिए, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करना है 90-68-58-84-72 पर आप कर दीजिएगा व्हाट्सएप, उससे आप जुड़ जाओगे, है ना। 1200 रुपये उसकी फ़ी है। ये वीडियो एक तरह से पूरी तरह से फ्री है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्री में आपको अवेलेबल हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए सी सेट के और जनरल स्टडीज़ के, वो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट का नाम दिखाई दे रहा हो आपको, UPSC11.com, ठीक है। इस पर आना है और नीचे की साइड में सर्च करते जाना है, यानी कि स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। स्क्रॉल करते जाओगे इस प्रकार के, देखिए यहाँ पर ऐप सॉरी ये कैटेगरी जैसी मिलेंगी, ये टैब जैसे मिलेंगे, है ना। आप हमारे नोट्स जो पेड हैं वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, एग्जाम मेडिजी नोट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो, MCQs फॉर्मेट में हैं और बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से एक नीचे एक टैब मिलेगा आपको कैटेगरीज का, ठीक है। बहुत सारी इसमें इसके अंदर कैटेगरीज दी हुई हैं, कैटेगरीज के अंदर ढूंढोगे आप अल्फाबेटिकल में आएगा ये, जैसे पहले ए चल रहा है, देखिए यहाँ पर ए चल रहा है, फिर ऐसे ही बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर उसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा ए, ठीक है, आई सॉरी आई। आई के अंदर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आई एस प्री क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से ये टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें डाउनलोड यूपीएससी सी सेट ऑल क्वेश्चन पेपर 2011 से लेके 19 तक के सभी पेपर दिए गए हैं। सी सेट का पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, यदि ये नहीं किया तो आपका एग्ज़ाम रह जाएगा। बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे कि हमारा एग्ज़ाम GS का अच्छा गया लेकिन सी सेट में हम फेल कर गए, तो उसके लिए आपको मैं बार बार कहता हूँ आपको है कि 2011 से लेकर 19 तक के पेपर आप बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लीजिए। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर दिए गए हैं सारे क्वेश्चन, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा 2011, 12, 13, 14, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2011 से ही पैटर्न चेंज हुआ था, सी सेट का प्रश्न पत्र आया था। लेकिन 2014 तक के प्रश्न पत्रों में आपको इंग्लिश मिलेगी और लास्ट में एक प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके डिसीजन मेकिंग के होते हैं, इंग्लिश और डिसीजन मेकिंग वालों को छोड़ देना, ठीक है। बाकी का नया पैटर्न से जो भी था वो आपका 2015 से तो रेगुलर आप कर देख ही रहे होगे कहीं ना कहीं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो हो गया सी सेट का, सी सेट के आप प्रैक्टिस कर लें, और जिन लोगों को IAS 2011 से लेके 19 तक के प्रश्न पत्र जनरल स्टडीज़ के चाहिए और ऑफिशियल आंसर के साथ में, वो इस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और वहाँ पर चले जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पेड करना पड़ेगा, शायद 90 रुपये का है ये वाला, ये आपके फ्री में है सारे के सारे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी परचेज कर सकते हैं, पेपर 1 जो जनरल स्टडीज का पेपर है 2000 से लेकर 2019 तक के पुराने पेपर, और ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं दिए ही हुए हैं। ये पेपर आपके हिंदी का ऊपर वाला है, इंग्लिश का नीचे वाला है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा कवर कर लीजिए। और कुछ चीज़ें मेरी हेल्प चाहिए मुझे बताइए, 90-68-58-84-72 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एक ग्रुप बनाया हुआ है हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए, जिसमें मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। 3 महीने का एक तरह से ये क्रैश कोर्स है जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस से संबंधित MCQs, बहुत सारे MCQs दिए जाएंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और उन क्वेश्चंस तक पहुंचा जा सके जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।